ये जो कैक्टस का प्लांट है और ये जो कैक्टस का प्लांट है, दोनों में आपको क्या लग रहा है? यहाँ देखो, ये एक ये देखो, एक वो देखो, आपको लग रहा है ना कि ये बड़ा है, ये छोटा है, या फिर ये पहले लगाया गया होगा, ये बाद में लगाया गया होगा? जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्लांट और इस प्लांट को, दोनों को मैंने एक साथ लगाया था। जी हाँ, एक साथ लगाया था। लेकिन इस प्लांट में ग्रोथ क्यों हो पाया और इस प्लांट में ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रहा है? रीज़न सिर्फ एक है। और जी हाँ, यहाँ पे आप देख पाओगे छोटा सा प्लांट, ये भी हमने हालांकि बाद में लगाया है, लेकिन इसमें ग्रोथ आपको देखने में मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है। रीज़न क्या है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देख पाओगे, इसके इस प्लांट के चारों साइड आपको एक भी कैक्टस का छोटा ब्रांचेस देखने में नहीं लगेगा। यहाँ देखो, है एक भी ब्रांचेस यहाँ पे, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी ब्रांचेस इसमें सारे साइड से ही नहीं, ऊपर भी नहीं है, देख पाओगे आप, क्योंकि इसमें हमने एक भी ब्रांचेस जो है वो होने नहीं दिए हैं। यहाँ पे देखो, दो निकल रहा है, तो उससे हम क्या करते हैं, इस ब्रांचेस को हटा देते हैं। अगर आप नहीं हटाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, इस तरह से आपको कट करना होता है। देखो, सिंपल सा कुछ नहीं, हल्का सा टपूस करोगे ना, वो टूट जाएगा। देखो यहाँ पर, देख पा रहे हो, ये छोटे से ब्रांचेस, यही जो होता है ना, इस ब्रांच, ये ब्रांचेस, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, इस ये ब्रांचेस जो है इसको ग्रोथ होने नहीं देता। अगर आप नहीं हटाते हो, देखो यहाँ पर, ये भी टूट गया, देखो देखो यहाँ पे, देख पाओगे आप, देखो ये भी, अगर आप इसे नहीं हटाओगे, यहाँ तो पहले से टूटा हुआ था, या देखो, अगर आप इसे नहीं हटाओगे तो क्या होगा, ये प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, आप इस छोटे छोटे ब्रांचेस को हटा देता हूँ, और इसके मिट्टी को थोड़ा थोड़ा आप महीने दो महीने पे इस तरह से आप कर सकते हो, या 15-20 दिन पे कर सकते हो, ताकि इसकी मिट्टी जो है वो भुरभुरा रहे और इसे जो है ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो। इसका दो तीन चीज़ है, पहला कि आपको ये हटाना है, दूसरा इसमें आपको पानी बहुत कम देना है। जी हाँ, आपको पानी जो है बहुत कम देना है। अगर आप ज़्यादा पानी दोगे तो ये प्लांट जो है जल्दी ख़राब जाते हैं। अगर आप डेली पानी दे रहे हो तो ये प्लांट खड़ नीचे से गल जाएंगे, सड़ जाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखना, इसमें पानी आपको डेली नहीं देना। या तो सूखा हुआ लग रहा है, ये भी सूखा हुआ लग रहा है, हल्का गीला है, बहुत गीला नहीं, सूखा हुआ, ये देख रहे हो, धस नहीं रहा है, हल्का सा गीला है। तो इस तरह से आपको रखना है, ठीक है? तो ये एक फैक्टर है जिसमें, देखो यहाँ पे आप देख पाओगे ढेर सारे ब्रांचेस। जी हाँ, यहाँ पे आप देख पाओगे कितने सारे ब्रांचेस हैं। देखो, नीचे ब्रांचेस जो हमने तोड़ तोड़ के भी नीचे रख दिया, तो तोड़ दिया या तो नीचे रख दिया, दोनों में से कुछ एक किया, इस वजह से इसमें ग्रोथ नहीं हो पाए, जो कि आपको नहीं होने। यहाँ देखो कितने सारे, देखो मैं इसे निकालता हूँ, ये आपको नहीं रखना है। अगर ये रखोगे साथ में छोटे छोटे ब्रांचेस को, तो मेन प्लांट में ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखो मैं इसको हटाता हूँ, कितना सारा इसमें ब्रांचेस है, देख रहे हो? तो ये चीज़ अगर आप रहने देते हो तो आपका मेन ब्रांचेस में जो है वो ग्रोथ नहीं होगा। तो यहाँ से देखो, इसमें जड़ भी निकल गए, तो ये रहेगा तो छोटे छोटे ब्रांचेस में ग्रोथ होगा, उसी में जड़ निकलेगा, उसी में फैलेगा, तो ये बड़े वाले में कैसे ग्रोथ होगा? देखो, यहाँ जड़ निकल गया ना, इसी तरह से मैंने एक निकाल के यहाँ लगाया था। देखो इसमें, ये देखो सेम, जब इसे लगाया था तो इसे लगाया था, देखो इसमें कितने बड़े हो चुके हैं। यहाँ पे देखो छोटा सा है ना, ये खुद नहीं बढ़ेगा और इसको भी बढ़ने नहीं देगा, यही वजह होता है। यहाँ देखो जड़ निकले हुए, यही वजह होता है कि आपका जो कैक्टस का प्लांट है वो ग्रोथ नहीं कर पाता। देखो जड़ निकला हुआ है यहाँ पे, इसमें रहते रहते ये जो जल्दी ख़राब नहीं होता, ये रीज़न है। मैं इसमें और एक चीज़ आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना चाहिए, कि अगर कैक्टस का प्लांट अगर आप लगाते हो, तो किसी तरह का कैक्टस अगर आप लगाते हो, क्योंकि कैक्टस में क्या होता है, कांटे होते हैं, ठीक है? अगर आप उसका सही से केयर नहीं करोगे, और उसको आप जैसे कि मैंने यहाँ से निकाल रहा हूँ ना, इसका क्या करेंगे वो भी बताऊँगा मैं आपको, जो कि आपको देखना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है, अगर आप नहीं करते हो तो बहुत नुकसान में रह जाओगे, आप बहुत नुकसान हो सकता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखोगे निकालने के बाद। जैसे कि मैंने देखो सारा निकाल दिया यहाँ से, अब इसमें देख पाओगे एक भी नहीं है, देखो एक भी नहीं है, एक देखो यहाँ से निकल रहे हैं फिर से, इसे भी मैं कट कर देता हूँ। देखो इसे होने नहीं देना है, आपको ब्रांचेस होने नहीं देना है, ठीक है? तो यहाँ से आप देख पाओगे, ठीक है, इसमें भी पानी कम देता हूँ, और आपको मिट्टी को, मैंने बोला था मिट्टी को थोड़ा चारों साइड से थोड़ा सा भुरभुरा बना देना है, ताकि इस प्लांट में ग्रोथ हो। देखो मैं इस तरह से कर देता हूँ, आपको भी कर देना है, ताकि इस प्लांट में ग्रोथ हो। चलो ये वाला प्लांट तो हो गया, इसको आपको अब कुछ नहीं करना है। तो ये मेन इसी की वजह से, जो ये आप देख रहे हो ना यहाँ पे, यहाँ पे देखो कितने सारे थे इसमें ब्रांचेस, यहाँ पे आप देख पाओगे कितने सारे ब्रांचेस, देख पाओगे कितने सारे ब्रांचेस,
इसी की वजह से जो है ये प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रहा था। अब क्या करना क्या आपको, ये जितने प्लांट हैं इसमें सबको आपको पूरा क्रश कर देना है, ताकि ये जो जहाँ पर आप इसको फेंकोगे वहाँ फिर से हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। मैं क्या करूँगा, इसको पूरा सबको पूरा क्रश कर दूँगा। देखो इस तरह से आपको कट कर देना है, नहीं तो ये फिर से जहाँ आप इसे फेंकोगे ना, और पहले पूरा क्रश करने के बाद मैं पूरा इसका क्रश कर दूँगा तब इसे मैं फेंकूँगा। ऐसे यूं ही फेंकूँगा तो वहाँ से फिर से वो निकल जाएगा, और किसी कहीं मिट्टी में चला गया तो वहाँ फिर से गाछ होने लगेगा, किसी का पैर पड़ गया तो फिर वो घायल हो जाएगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना, चाहे कहीं किसी भी तरह का कैक्टस हो तो आप उसको यूं ही नहीं फेंकोगे, और चाहे मिट्टी में डायरेक्ट भी काट दोगे ना तो वो गाछ निकल जाएगा वहाँ से, ठीक है, वहाँ से कैक्टस फिर से निकलने लगे। इसे डायरेक्ट नहीं फेंकना, आप ये मत सोचना है मिट्टी में गाड़ देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, जी नहीं, ये जल्दी ख़त्म ही नहीं होता। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे पूरा मैं क्रश कर दूंगा, और इसे क्रश करने के बाद पहले यूँ ही फेंकूंगा नहीं, पहले इसे सूखने दूंगा मैं, ये धूप में छोड़ दूंगा, पूरा सूख जाएगा, उसके बाद मैं इसे मिट्टी में गाड़ूंगा, मिट्टी में फिर थोड़ा सा गाड़ देंगे तो फिर ये खरा तब सूख जाएगा, तब वो नहीं हो पाएगा, और इसे जो कांटे होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख पाओगे पूरा मैंने क्रश कर दिया, जितने थे सबको काट दिया चारों तरफ से, पूरा क्रश कर दिया, पूरा इस तरह से आपको क्रश कर देना है, तभी आप उसको फेंकना है। तो ये भी आपको बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं जिस तरह रखा हूँ, ठीक है, इस तरह अगर आप करते हो तो आपका प्लांट जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। कैक्टस की कोई भी वैरायटी हो, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वैरायटी को लाता हूँ, देखो यहाँ से भी आप इस तरह से, ठीक है, देखो ये तैयार हो गया मेरा प्लांट। अब इसमें भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगा, इस प्लांट में भी इसके जैसा ग्रोथ होगा, क्योंकि इसके चारों ओर से इसको बढ़ने नहीं दे रहा था, अब ये फैलेगा। इसमें जो नए ब्रांचेस हैं उसको मैं होने नहीं दूंगा, मैं इसलिए एग्जांपल के तौर पे आपके लिए रखा था, मैं इसको हटाया नहीं था ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो अब देख पाओगे इसमें जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप केयरिंग कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए प्लांट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।